ओम शांति। 7 जुलाई 2024। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 11 नवंबर 2000। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही है। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट हो, अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। हाईएस्ट भी हो, क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की? सभी ने गारंटी ली है? पीछे वालों को गारंटी मिली है? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो? बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो
या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्से के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया, और फिर richest भी हो। ब्राह्मण आत्मा क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा richest इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो richest इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं? यह याद रहना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हरेक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो? बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? बच्चे। बाप खुश नहीं होता। बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्म प्यार, परमात्म वर्षा, यह परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो वो समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है, पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मुंझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन का पाठ
तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो विश्व परिवर्तन के निमित्त। आत्माएं अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सरमनी देखने चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखने चाहते हैं, जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहां तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ठ आशा है। सब गीत गाए, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं? क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। दादी जी कह रही हैं, बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे? पांडव निभाएंगे? पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था,
कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन यह विघ्न आ गया ना, यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, सामना करेगी, यह पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75% पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 75%, 100 नहीं कह रहे हैं। उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन बनना है। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। दुख नहीं है, सुख है, कोई बहाना नहीं करना। यह हो गया ना, इसलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं, गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना? सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे
तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर, दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, हजार कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक होना, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर, अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर एक सेकंड में। 5 मिनट ड्रिल। अच्छा, सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन, अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलियस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से, सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। यह छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो
आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। पांचों खंडों के हैं, तो पांच खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना? प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्म पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना? प्लान बन रहे हैं, तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। चलाने वाला आपे ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावन हार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की, तो सहज है ना? तो निमित्त बनके याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना? लौकिकपन तो खत्म हुआ ना? मैं आत्मा हूँ। यह अलौकिक, मैं फलाना हूँ, यह लौकिक। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक हो ना? अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए। यह बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो, आप भी कोटों में कोई निकले ना? कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो? तो कोटों में कोई निकले ना? अच्छा है, बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं, आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना? मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, वरदान। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूरत भव। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ।
सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले यह हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। ओम शांति।